किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, जिसके बाद प्रमुख निषाद परवीन और उप प्रमुख समदानी बेगम भारती ने राहत की सांस ली है। दोनों के खिलाफ अविश्वास धड़ाम से गिरने पर सत्ता पक्ष में जश्न का माहौल है। बताया जाता है कि 34 सदस्यों वाली कैबिनेट की विशेष बैठक में एक भी पंचायत समिति के सदस्य नियत समय पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद मीटिंग को रद्द कर दिया गया। उधर कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादातर समिति सदस्य विदेश टूर पर गए हुए थे, जिस कारण समय पर मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मामला 5 जनवरी को प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1/3 समिति से अधिक। उसी को लेकर आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया था और अविश्वास के पक्ष में एक भी समिति नहीं आया, जिससे अविश्वास गिर गया। इसके लिए हम तहे दिल से सभी समिति सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह आगे सभी को लेकर साथ खेलने का काम करूंगा। 5 जनवरी को कोचाधामन प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख पर कुछ समितियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसका आज विशेष बैठक कोचाधामन प्रखंड सभागार में किया गया। लगभग समिति लोग इनके पक्ष में हैं, कुछ नाराजगी रही होगी जो हम लोग सबको मिल करके उसकी नाराजगी को दूर किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे कार्यकाल को ये लोग पूरा करेंगे। 5 साल जिस तरह से कोचाधामन में विकास का काम ये लोग प्रमुख उप प्रमुख सभी समिति कर रहे थे, आगे भी काम इसी तरह से विकास का चलता रहेगा और अपना कार्यकाल ये लोग 5 साल का पूरा करेंगे। 5 जनवरी को कुछ समिति जो है वो प्रमुख और उप प्रमुख के विरोध में कुछ नाराजगी था उन लोगों में, तो उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों ने रखा था और BPRO और प्रमुख उप प्रमुख को अपना ज्ञापन सौंपे थे। लेकिन उसी को लेकर के समितियों का जो नाराजगी थी उसको लेकर के आज 11 बजे से 2 बजे के बीच तक बैठक रखा गया और कि क्या मामला है उसको लेकर के, लेकिन एक भी समिति यहाँ पर नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि सभी समिति जो है जो नाराजगी है उनको दूर किया जाएगा और सभी समिति हमारे पक्ष में है। कुछ समितियों में नाराजगी है और हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ गलती हुई होगी या नहीं हुई होगी, हम लोग आगे कोशिश करेंगे, सबको एक साथ मिलजुल करके लेकर के चलेंगे और सभी समिति हम लोग का साथ में है और सभी समिति हम लोग प्रमुख और उपप्रमुख एक साथ को अविश्वास लगा था। कुछ समिति आकर के प्रमुख और उपप्रमुख के विरोध लगाए थे, तो हम सब मिलकर के कोशिश किया, सबको मना भी लिए और सब सहमति से, कोई लोग आए नहीं, बैठक था तो फिर से अविश्वास गिर गया और हम लोग चाहते हैं कि 5 साल तक ऐसे ही चलते रहे। 1 जनवरी को जो अविश्वास प्रमुख और उपप्रमुख के प्रति लगाया गया था, आज उसी के क्रम में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जिसमें कोई भी समिति हाजिर नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि जो नाराजगी समितियों में थी वो खत्म हो गई है। फिर विधिवत पूर्ण रूप से प्रमुख और उपप्रमुख बहाल होगा, इंशाल्लाह यही हम कामना करते हैं।